अमरोहा के लाल ने कर दिया जबरदस्त कमाल। राष्ट्रपति के यहाँ से आ गया बुलावा सुनकर हसीन जहाँ हुई बेहोश तो बॉलीवुड की एक हसीना भी उछल पड़ी। माँ अस्पताल में थी फिर भी देश के लिए जी जान लगा चुके थे शमी। कभी नहीं मानी हार, अवार्ड मिलते ही क्रिकेट में फिर मचाएंगे तहलका। T20 वर्ल्ड कप में जगह हो गई है पक्की। मियां भाई ने लहरा दिया कामयाबी का परचम। दिल्ली में बैठी सरकार को भी देना पड़ा सम्मान। मोहम्मद शमी को मिला इतना बड़ा अवार्ड, देखते रह गए रोहित और विराट। इतनी शिद्दत से मेहनत की कि कायनात भी कदमों में झुक गया, मगर देश को झुकने नहीं दिया, इसलिए मिल गया है इतना बड़ा पुरस्कार। बड़े बड़े सुरमा करने लगे नमस्कार। खुशखबरी सुनकर बॉलीवुड वाली हसीना भी बजाने लगी ताली तो हसीन जहां को लग गया सदमा। माँ अस्पताल में थी लेकिन फिर भी देश के लिए सूरवीरों की तरह लड़ते रहे शमी और किस्मत के इम्तिहान में पास हो गए। शमी को कौन सा बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है ये जानने से पहले शमी के संघर्षों के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। इसके लिए हम शमी के उस इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा बताएंगे जो उन्होंने सबके सामने बताई थी। मोहम्मद शमी ने डोमेस्टिक क्रिकेट बंगाल की तरफ से खेलना शुरू किया था, तभी उनके घुटने में चोट लग गई थी। उस दौरान उनका सिलेक्शन ICC वर्ल्ड कप 2015 में हुआ था। तब उन्हें इस चोट से पूरी तरह उभरने में 18 महीने का समय लगा। ये 18 महीने बहुत तनाव से भरे थे। शमी को ऐसा लगने लगा था कि अब वो कभी भी क्रिकेट के मैदान पर वापस नहीं उतर पाएंगे। वो इस कदर निराश हो गए कि उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की भी सोची, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। खैर फिर से वो क्रिकेट के मैदान पर वापस लौटे, लेकिन उसके बाद उनकी निजी जिंदगी में तनाव शुरू हो गया। साल 2018 का वो दौर था, मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर दिया और इस आरोप में पुलिस उन्हें खोजने लगी। तब शमी ने कहा था कि अगर वो इन चुनौतियों से लड़ पाए तो इसके पीछे उनका परिवार है। खैर कहते हैं ना कि वक्त परीक्षा लेता है और मोहम्मद शमी वक्त के तरफ से लिए गए हर इम्तिहान में पास होते चले गए और अब उन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। कैसे? अमरोहा के एक छोटे से गांव से आने वाले मोहम्मद शमी को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, इसे डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही मोहम्मद शमी को इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने की खबर आई, वैसे ही हसीन जहां को सदमा लग गया। खबर है कि हसीन जहां फूट फूट कर रोने लग गई। दरअसल BCCI ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेज दिया। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद इस तेज गेंदबाज के नाम की सिफारिश की गई। शमी ने टूर्नामेंट में 7 मैचों में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे। दरअसल BCCI ने खेल मंत्रालय से शमी के नाम को शामिल करने का विशेष अनुरोध किया था। BCCI शमी से इतना प्रभावित है कि शमी के बिना टीम ही पूरी नहीं होती। इस वक्त शमी चोटिल हैं, वरना उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे पर भी बड़े मौके मिलते हैं। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद इस तेज गेंदबाज के नाम की सिफारिश अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई। शमी ने टूर्नामेंट में 7 मैचों में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे। दरअसल BCCI ने खेल मंत्रालय से शमी का नाम शामिल करने के लिए विशेष अनुरोध किया था, क्योंकि उनका नाम देश के दूसरे सबसे बड़े खेल सम्मान की सूची में नहीं था। ये देखकर BCCI को अच्छा नहीं लगा, इसलिए BCCI ने फैसला लिया कि वो खुद सरकार से बात करेगी और सरकार को जय शाह ने फोन मिलाया। इसके बाद अचानक शमी का नाम जोड़ा गया। 33 साल के शमी ने वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर दूसरे नंबर पर रहा था। शमी शुरुआती 4 मैचों में नहीं खेल पाए थे, इसके बाद उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कहर बरपा दिया। 5.26 के औसत से उन्होंने सारे विकेट निकाले। हालांकि शमी के अलावा 16 अन्य खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। शमी को मिलने वाले इस अवार्ड पर आप क्या कहेंगे, हमें अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।